राहत, प्रवासियों की यात्रा शुरू, कार चालकों ने जताया सरकार का आभार। कोरोना के कारण 6 महीने से जारी लॉकडाउन से तबाह हो रहे काम धंधे को लेकर हर कोई परेशान है। हालांकि इस बीच सरकार ने अनलॉक 4 की घोषणा करते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा स्टेट आवागमन की पाबंदी हटा दी है। ई पास की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है, जिससे कोई भी टूर ऑपरेटर यात्रियों को लेकर अब अंतर्राज्यीय आ जा सकता है। नवम्बई के टूर चालकों ने सरकार के इस फैसले को राहत वाला निर्णय बताते हुए कहा कि अब उन्हें फिर से जीने की उम्मीद बढ़ी है। वाहन चालकों ने कहा कि लॉकडाउन ने उनकी रोजी रोटी छीन ली थी, ई पास की पाबंदी हटाने से अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। ई पास चालू था तो बहुत ही दिक्कत आता था, ई पास के लिए बहुत अप्लाई करना पड़ता था। एक दिन अप्लाई किया तो 2-3 दिन के बाद पास मिलता था, जब तक हमारा बहुत नुकसान हो जाता था। इसकी वजह से अब बंद किया सरकार ने, तो एकदम अच्छा चल रहा है। आज तो फर्स्ट ही दिन है हमारा ई पास बंद किया तो एकदम अच्छा लग रहा है, अच्छा किया है। पैसेंजर आते थे लेकिन ई पास की वजह से वापस चले जाते थे, क्योंकि ई पास तुरंत नहीं मिल जाता था उनको। ई पास मिलता था तो 2-3 दिन के बाद, कोई कोई आते थे, कोई कोई नहीं आते थे। ई पास निकालने के लिए बहुत तकलीफ होता था हम लोगों को, बहुत तकलीफ, इतना तकलीफ होता था बहुत। आज अप्लाई डालेगा तो 4-5 दिन के पास आता था, कोई उसको ठोस कारण बताया जब भी नहीं आता था। इसलिए धंधे पे इतना परिणाम गिर गया था हमारे बहुत ही। ई पास हट जाने से इधर उधर आने जाने में थोड़ा सा आसान हो गया है। ई पास में इधर उधर आने जाने में ई पास के लिए 4-5 दिन का ई पास लगता था, उसमें बहुत तकलीफ होती थी। ई पास हटाया गया और लॉकडाउन ठंडा किया जाए, लॉकडाउन अब हटाना चाहिए। पब्लिक एकदम भूखे मर रही है, उसको खाने पीने का नहीं है, कहां से आएगा। बता दें कि नवम्बई में ऐसे 1200 से अधिक वाहन चालक आर्थिक संकट में हैं, जो प्रवासी कार चलाकर रोजी रोटी कमाते हैं। ये लोग वाशी, शानपाड़ा, कलमबोली, नेरुल और ऐरोली हाईवे से अपनी कारों में यात्रियों को गोवा, गुजरात और पुणे तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।